गुना में आज हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाके हुए जलमग्न। गुना के इतिहास में आज हुई फिर मूसलाधार बारिश। सभी नदी नाले आए उफान पर। लगातार बारिश से कई कच्चे मकान हुए धराशायी। भोपाल, मौसम विभाग द्वारा राजगढ़, विदिशा, रायसेन, गुना एवं अशोकनगर में भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी। आपदा के समय घबराए नहीं, प्रशासन मुस्तैद है। कलेक्टर कलेक्टर ने की जिले के नागरिकों से सहयोग की अपील। यह सामर सिंह होटल जो कि बाईपास पे थी, आप देख सकते हैं जो पानी है सामर सिंह होटल के पूरा अंदर जा चुका है और पूरी भर चुकी है सामर सिंह होटल। और ये जो सामर सिंह होटल है उसके पीछे भगत सिंह कॉलोनी है, तो भगत सिंह कॉलोनी में भी कम से कम आप वो देख पा रहे हैं, वो जो मेरा हाथ है वहाँ से वो सफारी गाड़ी है, कम से कम 5 फीट ऊंची गाड़ी होती है, तो मिनिमम 2 से 2.5 फीट ये डूब चुकी है। बाकी की आप बाउंड्री देख पा रहे हैं पेट्रोल पंप की, पूरी लाइन में आपको बता रहा हूँ, गुना की पूरी बिजली काट दी गई है। ये पूरी जो आप देख पा रहे हैं ये भगत सिंह कॉलोनी का हिस्सा है। हाँ भाई, उमंग हार्डवेयर की छत पर से गुना में सभी आज को देखो, ये गुनिया नदी कितनी तेज भाव है पानी का, जो कि बहुत ओवरफ्लो 1993 में आई थी और आज देखो 2021 में देखने को ये नजारा मिल रहा है, जो कि ऊपर से तक ओवरफ्लो पानी जा रहा है, इतनी तेज पानी का अभाव है। इसमें गाड़ियाँ कई घरों में पानी जा चुका है, लूसन का बगीचा पूरे घरों में पानी भर चुका है और हमारी ये पुलिया भी ओवरफ्लो जा रही है, आप देख रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से। विकास नगर एड़ापति कॉलोनी में सब मकानों में पानी भर चुका है। अजीम कॉलोनी की हालत ये देखो। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने जिले के नागरिकों से अतिवृष्टि से उत्पन्न आपदा में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। कलेक्टर ने नागरिकों से कहा है कि जिले में एक दिन में इतनी बारिश होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। बिजली पानी की बहाली के लिए टीमें लगी हुई हैं। नागरिकों के घर मकान में हुए नुकसान के लिए भी सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा। कलेक्टर ने सभी से धैर्य धारण करने की बात कहते हुए कहा कि जहां भी जल भराव की स्थिति है वहां से पानी की निकासी की जा रही है। शहर में जहां जहां पानी भर रहा था वहां से निकासी के मार्ग खोले जा रहे हैं। इसमें नागरिकगण सहयोग करें, पानी भर जाने के कारण बिजली सप्लाई अवरुद्ध हुई है, इसे बहाल करने के लिए टीम लगी हुई है। उन्होंने कहा नागरिकों को ही हो रही परेशानी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा नागरिकों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए
जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैदी से लगे हुए हैं।